फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर कई वक्त से, लंबे वक्त से फिल्मों से दूर हैं। हालांकि एक टीजर उनकी अपकमिंग फिल्म का सामने आया है जिसका नाम एनिमल बताया जा रहा है, और इसमें सिर्फ एक ऑडियो सुनाई दिया है जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि 2018 के बाद से अब तक रणबीर कपूर किसी फिल्म में क्यों नजर नहीं आए। फिर इसका जवाब ब्रह्मास्त्र के रूप में मिल जाता है कि भाई ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ आलिया भट्ट को देखें तो वो तो बैक टू बैक फिल्में साइन कर रही हैं। इन सब के बीच रणबीर कपूर को बीती शाम एक क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया, और तभी से अब सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि क्या रणबीर कपूर किसी प्रॉब्लम में है, क्या उनको किसी बीमारी ने घेर लिया है शायद जिसका वो इलाज करा रही हैं। और इस तरह की खबरें, इस तरह के जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्लिनिक के बाहर स्पॉट क्यों हुए हैं, क्या ये इनका रेगुलर चेकअप के लिए वो वहां पर गए थे, या फिर वो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसको वो अभी दुनिया के सामने नहीं बता रहे हैं, और कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसका इलाज वो करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, रणबीर कपूर है, बड़े स्टार है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, उनके एक एक एक्शन पर उनके फैंस नजर बनाए हुए रहते हैं, और जब ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आई कि वो क्लिनिक के बाहर है तो लोगों में थोड़ी सी क्यूरोसिटी हो गई, थोड़ी सी उनके फैंस को उनके लिए चिंता हो गई कि भाई वो क्लिनिक के बाहर क्यों स्पॉट हुए। तो फिलहाल खबर तो यही है कि वो रूटीन चेकअप के लिए गए थे। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रूटीन चेकअप के लिए वो गए थे, और वो हर महीने डॉक्टर से अपने पूरे बॉडी का चेकअप कराते हैं कि वो ठीक है, उनका जो भी टेस्ट होते हैं नॉर्मल वो सब चीजें कराते हैं, चेकअप कराते हैं, उस चीज के लिए ही वो क्लिनिक के बाहर गए थे, इसीलिए परेशान होने की उनके फैंस को जरूरत नहीं है। वर्क फ्रंट की बात करें तो एनिमल, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, टीजर आ गया है और जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद इसकी की जा रही है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ है, तो ये उनके क्लिनिक से बाहर जो उनकी फोटो निकलकर सामने आई है उससे जुड़ी ये खबर थी, उससे जुड़ी अपडेट थी। आप बताइए क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर।